अर्ध सांबादिकक ऊपर को कुकुर छाड़ीबा विरोध रे हल्ला बोल। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश को ऊपर आक्रमण रो दृढ़ निंदा। बीजेडी नेता तथा पूर्वतन मंत्री रघुनंदन दास को गिरफ पाई बढ़िला दाबी। कुकुर छाड़ी बरणातक आक्रमण सत्वे काहीकि लागुनी 307 दफा। पूर्वतन विधायक रघुनंदन दास को गिरफ दाबी रे सारा राज्य रे देखिबा को मिलिछि जोरदार प्रतिवाद। भुवनेश्वर जयदेव भवन निकट रे राज्यर वरिष्ठ सांबादिक माने एकाठी होई प्रतिवाद करिछंती। दुई दिन तले अर्गस सांबादिका चिन्मयी साहू और कैमरामैन उमेश महाराणा उपरे रघुनंदन दास को कुकुर छाड़ी मरणात्मक आक्रमण उद्यम को घोर निंदा करिछंती वरिष्ठ सांबादिक। जड़े कार्यरत सांबादिका खबर प्रसारण पर अनुमति नहीं घर भितर को जाते यह जाणी रघुनंदन ताक कुकुर छाड़देव धर्तव्य अपराध बोली कहते वरिष्ठ सांबादिक। सेपटे सांबादिक मानक सुरक्षापी मुख्यमंत्री मोहन माझी उद्देश्य से एक दाबीपत्र भी दिया जाए। आप घर मालिक हिसाब से आप सीधा आस कौन कहे आप घर जो किए गेट खोली पचार आप कौन कौन आज्ञा आप जा गेट बाहर को आमको डिस्टर्ब करती तो कथ आप कुकुर छाड़देवे कौन सी गोटे कि पाप कले आप कुकुर छाड़देवे। द्वितीय कथा सी जे महिला सांबादिका केवल नुहति सी आज्ञा रघुनंदन दास झील बयस गोटे सांबादिका सी हाँ झील बयस से कुकुर आज छाड़ी ड्रेस सहित चिरी दे कुकुर आटाक करें दीटा डाहा कुकुर को हाँ आप जे विधायक थे पुणी मंत्री भी थे पुणी आई एन पी आर मंत्री किसी दिन थे मैंने क्षमता तो गला क्षमतार इति पगल आप अच्छा आप हिताहित ज्ञान भूल जाऊँच आम जो सामाजिक सुरक्षा कथा कहूँ तक मंत्री काल में एक उठी सामाजिक सुरक्षा आईन बहुत कथा आलोचना से व्यक्ति यही भाव आचरण करंदनिय नुहे सी एपर्त क्षमता मगू ना आश्चर्य कथा पुलिस तदंत हो जानी पुलिस तदंत कर कौन पाइब कितु जी साधारण जीवन अच्छा एवं विभाग मंत्री थे सी एत बड़ गोटे कार्य जो कार्य कले जे सांबादिक प्रकृत पुलिस कुकुर कामुड़ी था कौन परिस्थिति होता गोटे झील कैमेरा धरी आसी आपको आम गोटे संवेदनशीलता दृष्टिकोण देखा कौन तार काम अच्छी बुझा ना गोटे महिला सामाजिक पक्ष कुकुर लगे धमक दबा पूरा जिनस तो इन्वेस्टिगेशन हम इनक्वारी हम तेणु ये दि तीन टा इश्यू मो विचार रे जे सरकारी घरे रोथिबा लोक माने निजर औद्धत्य को यही ढंग से प्रकाश करवा एक मस्त बड़ भूल आउ कई जने जदि गेट खोली भितर को पशिचि ताकू कुकुर लगे धमक दबा आउ गोटे भूल आउ दिनकु दिन क्षमता आ प्रतिपत्ति पॉलिटिकल कैपिटल मो भीतर राजनैतिक पुंजी अच्छी मो पछरे एत लोक अच्छा मुझे शासक दल भूतपूर्व मंत्री ये जो अहंकार सब आम भितर रही ये सब गुड़िक हूँ आम समस्या मूल कारण जड़े महिला सांबादिक दुर्व्यवहार बर्बर व्यवहार बोली कहबी एटा दुर्व्यवहार नुहे एटा गोटे बर्बर व्यवहार एभली बर्बर व्यवहार कौन सी साधारण लोकट आशा कराएनि जड़े प्रतिष्ठित राजनेता एवं जी कि पूर्वर सूचना लोकसंपर्क विभाग मंत्री थे ठारे व्यवहार आशा करवा ये गोटे मानने समीचीन नुहे कहि निश्चित भाव में ना से पर्यंत दुख प्रकाश करा दल कौन नेता ये दुख प्रकाश कर विदायी सरकार बाबद कौन गुरुत्व दे नुआ सरकार आभिमुख्य आम जापर कौन तरह आभिमुख्य रही आम निहाती चाहिए कि दावी करवा सांबादिक सुरक्षा आईन आसू ए केवल जड़े आम रिपोर्टर कथ नुह ये सब सांबादिक सुरक्षार कथ आप जानते विभिन्न समय सांबादिक आक्रमण होती विभिन्न समय पुलिस दृढ़ कार्यानुषान नहीं ना ओलटा मिछ केस भी देखिए सांबादिक मानते जो मैंने सांबादिक मैंने भी केस लड़ुंट कथ आसूँ रघुनंदन दास कल विभिन्न गणमाम प्रतिक्रिया देखते एक मुझा कही ठीक कही एक कौन ए दंभ ये गर्व ए अहंकार कौन टिके भी संवेदनशीलता नहीं विरोध में पुलिस दृढ़ कार्यानुषान ना दरकार सबुठ आश्चर्य दल जे माँ को सम्मान कथ कहे जे जो दल मुखिया कहते भद्र हुओ नम्र हुओ ये भद्रता और नम्रतार ये हूँ उदाहरण केवल भुवनेश्वर नुहे राज्यव्यापी यार प्रतिवाद करिसेंदे सांबादिक माने कटक बालेश्वर ब्रह्मपुर खोर्धा अनुगुल संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर समेत राज्यर अन्य स्थान गुड़िकर भी देखा मिली जोरदार प्रतिवाद। बीजेडी पूर्वतन विधायक तथा मंत्री रघुनंदन दास कुकुर छाड़ी अर्ग सांबादिका और कैमेरामैन को मरणातक आक्रमण कले सत्वे
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି 307 ଦଫା ଲାଗୁନି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେହି ଲୋକକୁ ଯିଏକି ଦୋଷୀ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାର ଉପରେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ଇଏ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ଅୟୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ବହୁଦିନର ପୁରୁଣା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯଦି କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଇଜେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି, କହିଛନ୍ତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଯିଏ ଏଠି ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଆମେ ଆଗେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ତାକୁ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପାର୍ଟ ବନେଇଛୁ। ଆର୍ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କାଲି ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ତା ଉପରେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅର୍ଗସ୍ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକା ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଛାନବିନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।